पर मुश्तमिल सूबाई हल्के से महरूमी और कौमी असम्बली में हरनाई आवाम के नाइंसाफी के खिलाफ हरनाई से नौ मुंतखब MNA वफाकी वजीर विद्वान सरदार इसार तरीन और हरनाई मुकामी सियासी समाजी और इस्लामाबाद में तालब इलम रहनुमा डॉक्टर खलीलुरहमान शाह ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मुश्तरका सूबाई हल्के की बहाली और वफाक में हरनाई ज़ियारत लोरलाई और दक्की पर मुश्तमिल हल्के की बहाली केस दायर कर दिया। इस दौरान वफाकी वजीर सरदार इसरार तरीन ने हरनाई के मुकामी तालब इलम इस्लामाबाद में ज़ेरे तरीन तालब इलम रहनुमा डॉक्टर खलीलुरहमान शाह से बातचीत करते हुए कहा कि ये इंतहाई अच्छी बात है कि हरनाई से नौजवान नस्ल में शऊर आ गया है और ये नौजवान नस्ल जिला हरनाई में मुश्तमिल सूबाई हल्के और कौमी असम्बली में लोरलाई दक्की ज़ियारत पर मुश्तमिल हल्का चाहते हैं। इन्होंने कहा कि यूँ तो हमने वफाक में मुश्तरका केस दाखिल कर दिया है मगर जिला हरनाई पर मुश्तमिल साबिका सूबाई हल्के की बहाली और कौमी असम्बली में ज़ियारत दक्की पर मुश्तमिल हल्का बरकरार रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम हरनाई आवाम के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। जिला हरनाई पर मुश्तमिल सूबाई हल्का यहाँ के आवाम का बुनियादी हक है और ये हक लेकर रहेंगे, जबकि हरनाई आवाम के ख्वाहिशात के बरक्स कौमी असम्बली में हरनाई को लोरलाई दक्की और ज़ियारत से अलहदा करने के खिलाफ चैन से नहीं बैठेंगे। हर मुश्तरका जिदोजहद करके हरनाई आवाम को साबिका सूबाई हल्के की बहाली और कौमी असम्बली में ज़ियारत दक्की हरनाई और लोरलाई पर मुश्तमिल हल्के को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रिपोर्ट कर रहे थे हरनाई से ग्रेट न्यूज़ के रिपोर्टर नजीबुल्ला शाह।